Hey guys, welcome back again to our town, Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का countdown लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. Number one, शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान को साथ में बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बुरी खबर है. शाहरुख खान और सुहाना खान की फिल्म को बंद कर दिया गया है. टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान और सुहाना खान की जो फिल्म आने वाली थी, अब फिल्म द आर्चीज के बाद वो ठंडे बस्ते में चली गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसा अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें शाहरुख खान और सुहाना खान साथ नजर आने वाले हो. इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि शाहरुख खान अपनी बेटी की सुपरस्टार के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं. नंबर टू, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक जमकर कमाई की है. अब फिल्म की कमाई के नए आंकड़े सामने आ गए हैं. Signal.com की रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर सातवें दिन बॉक्स ऑफिस पर 6.35 करोड़ रुपए कमा चुकी है. इसी के साथ फिल्म 150 करोड़ी होने के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है. फिल्म की यह कमाई छठे दिन के मुकाबले थोड़ी कम नजर आ रही है. ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. फिल्म 100 करोड़ होने के बाद अब 150 करोड़ होने की तरफ बढ़ चुकी है. नंबर थ्री, साउथ फिल्म डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की अपकमिंग मूवी जय हनुमान को लेकर अभी से ही भारी बज बना हुआ है. खबर है कि इस मूवी में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू नजर आने वाले हैं. इस बारे में डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी इस फिल्म में महेश बाबू श्री राम का किरदार निभाएं. मुझे लगता है कि श्री राम का किरदार महेश बाबू से बेहतर कोई और नहीं कर सकता. मेरे दिमाग में ये बात है. हमने उनके लुक के लिए हमारे दफ्तर में कई टेस्ट भी किए हैं. नंबर फोर, बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा कसता नजर आ रहा है. ईडी का दावा है कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सबूत मिटाए थे. न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि जैकलीन ने कभी भी सुकेश चंद्रशेखर के साथ वित्तीय लेन देन के बारे में सच्चाई का खुलासा नहीं किया है. ईडी के मुताबिक जैकलीन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद अपने मोबाइल फोन से सारा डेटा मिटाकर सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की है. नंबर फाइव, अनन्या पांडे और सारा अली खान साथ में पहली बार फिल्म करने वाली हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक्ट्रेस कॉकटेल 2 में नजर आ सकती हैं. अनन्या पांडे और सारा अली खान को अभी हाल ही में मैडॉग फिल्म्स के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया था. इन दोनों के साथ में मैडॉग फिल्म्स के बाहर दिखने के बाद कॉकटेल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक कॉकटेल 2 के लिए इन दोनों एक्ट्रेसेस के साथ बातचीत चल रही है. अगर ऐसा होता है तो सारा अली खान और अनन्या पांडे की साथ में ये पहली फिल्म होने वाली है. नंबर सिक्स, बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने भूमि पेडनेकर की आने वाली फिल्म भक्षण के ट्रेलर की सराहना की है. सच्ची कहानियों पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जिसकी जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस फिल्म का ट्रेलर बीते दिन शेयर किया. जब फिल्म के डायरेक्टर पुलकित ने उन्हें धन्यवाद दिया तो शाहरुख खान ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा कि फिल्म के लिए शुभकामनाएं, ये बहुत जोरदार फिल्म है. नंबर सेवन, एनिमल से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाले रणबीर कपूर का नया लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सिर पर फादर, ऋषि कपूर जैसी टोपी और चेहरे पर मासूमियत देकर हर कोई उनके इस लुक की जमकर तारीफ करता नजर आ रहा है. दरअसल रणबीर कपूर को एक मीटिंग के लिए संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया है. अनाउंसमेंट के बाद ये पहली बार है कि रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली के ऑफिस पहुंचे. वहीं किसी को रणबीर के इस लुक को देखकर ऋषि कपूर की याद आई तो कोई रणबीर के इस लुक का फैन बन चुका है. नंबर एट, कार्तिक आर्यन ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें एक्टर ने अपनी नई फिल्म चंदू चैंपियन की शूटिंग के बारे में अपडेट किया है. साथ ही कार्तिक ने बताया है कि उन्होंने एक साल के बाद मीठे का स्वाद चखा है. वीडियो में चंदू चैंपियन के डायरेक्टर कबीर खान अपने हाथ से कार्तिक आर्यन को रसमलाई खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. कार्तिक भी हंसते मुस्कुराते डायरेक्टर के हाथों से अपना मुंह मीठा कर रहे हैं. कार्तिक ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, इस एक रसमलाई का स्वाद किसी जीत से कम नहीं है. नंबर नाइन, राजकुमार हिरानी ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार हिरानी के ओटीटी प्रोजेक्ट में विक्रांत मेसी लीड रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं. फिल्म मेकर ने अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर बताया कि कुछ कहानियों के लिए लॉन्ग फॉर्मेट चाहिए होता है और उन्हें आप फिल्म में नहीं बना सकते. हम जिस चीज पर अभी काम कर रहे हैं वो वैसी ही फिल्म है. हमें ये कहानी कोविड के वक्त मिली थी. मैं इस सीरीज के लिए एक शो रनर का काम करूंगा और इस शो में पूरी तरह इन्वॉल्व होऊंगा. नंबर टेन, संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार का पहला लुक सोशल मीडिया पर रिवील कर दिया गया है. हीरा मंडी के पहले लुक में खूबसूरती, ड्रामा, सस्पेंस और थ्रिलर का जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिल रहा है. संजय लीला भंसाली हीरा मंडी द डायमंड बाजार के पहले लुक के साथ ही आजादी से पहले के दौर में लेकर जाते हैं और ऐसा कमाल विजुअल पेश करते हैं जो हिंदी वेब सीरीज में पहले कभी नहीं देखा गया. उम्मीद की जा रही है कि मजबूती सीरीज 2024 में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी जाएगी.
नंबर 11 इमरान हाशमी, नसीरुद्दीन शाह और मौनी रॉय स्टारर वेब सीरीज शो टाइम से किरदारों के लुक सोशल मीडिया पर रिवील कर दिए गए हैं। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मेटिक एंटरटेनर के बैनर तले बनी सीरीज में फिल्मी दुनिया नेपोटिज्म का कनेक्शन खुलता दिखाई देगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शो टाइम से किरदारों की झलक रिवील की है। इमरान हाशमी, नसीरुद्दीन शाह, राजीव खंडेलवाल, मौनी रॉय, श्रिया सरन, महिमा मकवाना समेत सभी एक्टर्स खूब ज्यादा इंटेंस लुक में दिखाई दे रहे हैं। नंबर 12 तिरुपति में मंदिर के पास अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक क्लिप में वो गंदे चेहरे और बिखरे बालों के साथ घिसे पिटे कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धनुष अलीपीरी की ओर जाने वाली सड़क के करीब शूटिंग कर रहे थे। इससे स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा असुविधा हुई, जिसके चलते उन्होंने पुलिस से शिकायत कर दी और इसके बाद धनुष की मुश्किलें बढ़ गई। नंबर 13 प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के लॉस एंजलिस वाले घर को खाली करने की खबरों को सुनकर हड़कंप मच गया है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी दावा किया कि एक्ट्रेस और सिंगर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि प्रियंका ने सेलर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है और इस वजह के चलते उन्होंने एलए वाला $20 मिलियन यानी कि करीब 149 करोड़ की कीमत वाला घर खाली करना पड़ चुका है और घर उन्होंने छोड़ दिया है। अब जैसे ही प्रियंका के फैंस को ये बात पता चली है तो उनके बीच में हंगामा मच गया है। नंबर 14 एनिमल पार्क की कहानी का बेसिक प्लॉट कैसा होने वाला है, इसका खुलासा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म से जुड़े करीबी सोर्स ने बताया है कि एनिमल की शूटिंग के दौरान ही इसे फ्रेंचाइजी बनाने का फैसला कर लिया गया था। इस फिल्म के सीक्वल यानी एनिमल पार्क का एक बेसिक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया था कि इसमें क्या होगा और किस तरह से चीजें शामिल की जाएंगी। बताया जा रहा है कि एनिमल पार्क की कहानी रणविजय यानी रणबीर के हमशक्ल पर फोकस रहने वाली है। एंड नंबर 15 हाल ही में दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रियंका चोपड़ा को टैग किया और निक जोनस को बधाई दी। उन्होंने लोला पालूजा इंडिया में किंग के साथ मान मेरी जान गाने पर अपना शानदार परफॉर्मेंस दिया था। एक्ट्रेस का पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसको खूब पसंद भी किया जा रहा है। बता दें कि दीपिका पादुकोण ने अपनी स्टोरी पर निक का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके साथ सिंगर किंग भी नजर आ रहे हैं और दोनों मान मेरी जान गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।